मुश्किलों पर जहाँ आ जाए टकराना ज़रूरी, मुश्किलों पर जहाँ आ जाए टकराना ज़रूरी है, जो जिंदा है तो फिर जिंदा नजर आना ज़रूरी। ये शेर इसको लेके शाहरुख खान ने आपसे क्या सर, मेरे बात ये थी कि पहले उनके जो स्क्रिप्ट राइटर हैं जिनकी वो बड़ी तारीफ भी करते थे, शाहरुख खान भट, और उनसे बारे में बहुत अच्छे अल्फाज इस्तेमाल कर रहे थे, तो उन्होंने मुझसे रब्ता किया और मेरे बड़े अजीब हैं लखनऊ में अधिकारी, उनका टेलीफोन आया था मैं तो वो एक शेर आपका अपनी स्कूल में लेना चाह रहे हैं, तो आप मन के ठीक है फिर लाइन इन तो उनसे कहिए बात करने, उन्होंने बात की, मैंने बता दी। उसके बाद फिर वो कॉन्टेक्ट आया, ये बड़ी भाषा बस ये समय आज ये नहीं होगा, मैं घबरा गया उससे, तो मैंने उनको जवाब दिया, मैं क्या मैं बस ये सब चीज़ें जो है मेरे बस्ती में, तो बस ये चीज़ें लिख के दिए देता हूँ कि आई परमिट यू टू मेक यूज़ ऑफ आई मेक यूज़ ऑफ कस्टम ने, वो एकदम दूसरा बनाया वो हिंदी में बनाई ऐसा, उन्होंने बहुत अच्छा मतलब मेरी तरफ से फैक्ट जो कई इजाज़त दी हुई किया, और उसके अंदर एक शब्द था संशोधन, संशोधित करने की, मैंने कहा ये बात वाइल्ड अब उससे नहीं निकलते, ये संशोधन तो शेर में होता नहीं है, फिर सब वो फिल्म की मजबूरी है, मैं कह रही है वो थोड़ा वस्तु, मैंने उसको बहुत बहुत ही फायदे से समझाने की कोशिश, मगर वो जाहिर है उससे डायरेक्टर साहब से बात छुपाई, उन्होंने बताया मुझे सर ये दिक्कत है, जब सोच रहे आप लोग ये तामीर नहीं कर पाऊँगा शेर बदल गई, अभी इनमें से कोई समझा नहीं पाए, तब एक फ्लाइट में आता है सुमित और सर शाहरुख खान साहब बात करें, वो मेरे लिए बिल्कुल मतलब ये कि मैं तो इन्हीं लोगों से बात कर रहा था, उनका पूरा आया बड़े अदब से आता किया, तब उन्होंने मुझे बताया कि साहब मेरा आपकी जो शेर की अदमी हैसियत है उसको मैं बिल्कुल नहीं देती हूँ, मैं अपने जो भी मेरे प्रोडक्ट जराए हैं उनके जरिए पहले शेर को पढ़ता हूँ, और फिल्म के गाने में जहाँ पर मंजूरी है उसकी आपसे भी लगना चाहूँगा, लेकिन आपका शेर पहले उसी पोजिशन उसी सूरत में जो उसकी मुकम्मल ने जिस तरीके से वो मैं अपनी आवाज़ टेन को ही पढ़ताऊँगा और उसमें आपसे नहीं खस्ती सब, तो ये बात ऐसी थी कि मैंने कहते इस टाइम में कोई दिक्कत नहीं मुझे, पर मेरा शेर अगर लोगों तक आपसे जरिए पहुँचता कि आप शेर पहुँच गया, अब आपने उसके अंदर जो किया आप तो चैलेंज जो इतना मैं कि मैं जी रही है मैं उससे छोड़ा बन गया, इसमें मुझे कोई चक्कर ऐसा पहले जगजीत सिंह जी भी कर चुके, जब जगजीत सिंह जी ने मेरी पहली गजल गाई कि उसे समझने का कोई रास्ता नहीं, मैं चाहता भी यही था वो बेवफा निकले, तो उसका दूसरा शेर जब उन्होंने पढ़ा वो एल्बर्ट टाल में पढ़ रहे थे लंदन में, तो मैं भाई ऐसा आज वो नहीं है ना, मगर मैं उनकी बहुत तारीफ सुनूंगा, बहुत उनको दुआएं जो मैं इस बात पीढ़ी की उम्र में वो वहाँ तवा आग गई, तो उधर नक्शा पड़ा कि उसे समझने में कोई सुनाता नहीं है, मैं चाहता भी यही था वो बेवफा निकले, उसके बाद अगला शेर उन्होंने शुरू किया और शेर वो पढ़ा कि किताबी माजी के पन्ने उलट के देख जरा न जाने कौन सा सफा मुड़ा हुआ निकले, सॉरी उन्होंने पढ़ा न जाने किताबी माजी के पन्ने उलट के देख जरा न जाने कौन सा पन्ना मुड़ा हुआ निकले, और उसके बाद उन्होंने पढ़ा ही था कि ये शेर आए, और वो काफी उस शेर गए वो ये है कि किताबें नाजी की और उलट पे जेट न जाने कौन सा सफा मुड़ा हुआ निकले, तो ये उनकी ऑनेस्टी थी, ये उनकी आर्टिस्टिक रिगार्ड आर्टिस्ट की ऑनेस्टी थी, तो उन्होंने अपनी शेर पा उत्तवाता मैंने अपनी सहूलत चाहिए उनसे माजर चाहता हूँ, मैंने अपनी सहूलत के लिए अपने हिसाब से शेर को बढ़ाया नहीं, किताब माजी के पन्ने उलट फिर देगा ताकि ज़्यादा लोगों की समझ में आए, तो ये एक इंटेलेक्चुअल ऑनेस्टी होती है किसी की आर्टिस्ट कलाकार की, तो मैं दाद देता हूँ शाहरुख खान साहब की कि उन्होंने कलम की भी इज्जत की, कलमदार की भी इज्जत की, और उन्होंने मेरे शेर को और उसी तरह पहुँचाया अपने ट्वीट के जरिए जो ओरिजिनल था, अब गाने में उन्होंने जो उसके साथ मिलता उसके लिए उन्होंने माजरत अब भी, तो मेरे लिए वो बहुत दिल से दुआएं की कि जो उन्होंने कहा था उसमें वो सामने सदक रहे, वह बहुत ही खुश हुआ इस बात से, फिर दुआएं देता।